इमदाद कुन अजरंजो गम आजाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन यागो सलाजम दस्तगीर यागो सलाजम दस्तगीर। मैं मंगता सरकार दा मैं मंगता सरकार दा ना किसे कम नकार दा कोई हामी ना बदकार दा या गो सलाजम दस्तगीर या गो सलाजम दस्तगीर। दर पर सवाली है खड़ा दर पर सवाली है खड़ा हाथ में कासा लिए कुछ हो अता या गो सलाजम दस्तगीर या गो सलाजम दस्तगीर या गो सलाजम दस्तगीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लो मेरे दोस्तों तो मेरे इस्लामी भैन भ्राओ तुहानू मैं कसीदा गौसिया शरीफ पढ़न दे अगे काफ़ी तरीके दस चुके हाँ। हूँ मेरे भैन भरा जिहड़े फोन करे कहिंदे बाबा जी असी इन्ना साढ़े कोल टाइम नहीं असी इन्नी दफ़ा नहीं पढ़ सकते 41 दफ़ा नहीं पढ़ सकते 11 दफ़ा नहीं पढ़ सकते। लो बच्चो इहनू तुसीं हुण हर रोज़ एक दफ़ा लाजमन पढ़ना जी एक दफ़ा दे इन्ने क फायदे है जे तुहानू मैं दसदा इहनू सुबह दी नमाज़ पढ़ के एक दफ़ा पढ़ना इन्हें कसीदा गौसिया शरीफ सिर्फ एक दफ़ा याद करके अच्छे तरीके ना अगे पिछे 11 दफ़ा दरूद शरीफ रखना दरूद गौसिया पढ़ना जी। तो मेरे दोस्तों इंशाल्लाह तुसीं एक दफ़ा एक कसीदा गौसिया पढ़ोगे जिहड़े पढ़ने के शौकीन बच्चे ने उन्हें को टाइम ज़्यादा नहीं एक दफ़ा ही पढ़ इंशाल्लाह इन्ने क फायदे दे है जे इन्ने क फायदे जे तुहानू मैं दसदा जो तुसीं चाहे तुहाडा काम होना इहदे नाल ठीक है। ऐसे ऐसे तुहानू जगह तुहानू सवारी कराई जाएगी ऐसे ऐसे बच्चे आंदियां ने चीज़ें तुहानू उहदी सवारी कराई जाती है सौण तो बाद जगह देखी नहीं सौण तो बाद इंशाल्लाह तुसीं बड़ा कुछ देखोगे तो जगह देखी तुसीं इहदे करमात देखोगे इहदे कमालात देखोगे कसीदा गौसिया शरीफ दे। दोस्तों तुहानू दस्सिया कसीदा गौसिया ऐसी पावर वाली चीज़ हैगी जी बहुत ही पावर वाली चीज़ है। जिहड़े बंदे कहिंदे हैं बाबा जी ये इजाजत क्यों जरूरी है मेरे दोस्तों जे तुहानू जे पता लगदा इजाजत क्यों जरूरी है इहनू एक दफ़ा पढ़ के देखो फिर तुहानू पता लगे इजाजत क्यों जरूरी है। वे बब्बर शेर सवारियां करवाते ढड़ते अपने आप से लिया के बब्बर शेर तो जो बिठाते हैं अपने आप लिया के तो फिर तुहानू पता लग जाएगा भी पीर की शह होंगी कदे लिए पीर फड़ना चाहिए। इसलिए दोस्तों तुहानू मैं दस्सा एक दफ़ा एक सीधा गौसिया पढ़न का तुहानू मैं इन्ना फायदा दस रहा एक तो तुहाडी मुश्किल जिहड़ी भी तुहाडी हैगी तुसीं पढ़ के दुआ करो तुहाडी मुश्किल दूर होए सीधा गौसिया ऐसी पावर वाली चीज़ है एक दफ़ा पढ़ के अगे पिछे 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ो दुआ करो तो सरकार गौस पाक दे मूँह ऐसे अरबी के अल्फाज पावर वाले है जे सरकार बहुत ही पावर वाले है तुम दस दूँ हर चीज़ ये कैद हैगी जो बंदा पढ़ता है उस वक्त ही 41 सेकेंड कई किस टाइम तो 41 सेकेंड ही लगते पढ़ते हैं बस सेकेंड ही लगते तो काम हो जाता है। नहीं तो दोस्तों इन तुम पढ़ो एक दफ़ा इन हर रोज़ पढ़ना चाहिए जो बंदा बच्चा या वड्डा बंदा या मेरे भैन भरा पढ़ना चाहते हैं वो कहते हर कोई ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों इको दफ़ा कसीदा गौसिया पढ़ो पढ़ो बड़े खलूस नीयत ना होके खड़े होके गौस पाक तरफ मुँह करके बगदाद शेर मुँह करके पढ़ो तो फिर दुआ करो फिर देखो तुहाडी किस तरह मुश्किल आसान होंगी कि नहीं होंगी। मैं तो कहना उस दिन मुश्किल आसान होंगी तुहानू मैं दसदा तुसीं नीयत नाल पढ़ो साफ दिल रख के पढ़ो सरकार गौस पाक वाकई कोई गौस पाक सरकार मुश्किल टाल देने तो फिर देखो तुहाडी गौस पाक मुश्किल कैसे टाल देन। इसलिए दोस्तों इहनू कसीदा गौसिया जिहड़ा पढ़ने के शौकीन ने तुहानू दस्सिया वट्सअप ते तुसीं अपना सवाल कर सकते हो पूछ सकते हो इजाजत लै सकते हो। बस इस वीडियो में बच्चों सबसक्राइब भी करो लाइक करो शेयर भी करो और लंगर हिस्सा जरूर पाया करो। बस मैं यही चाहता हूँ कहना बार बार। लो फिर दोस्तों अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम।